आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक फिनिश ब्रिटिश साइंस फिक्शन मूवी जिसका टाइटल है इट कम फ्रॉम द डेजर्ट। इस मूवी की शुरुआत में हम डेजर्ट में कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो किसी मिस्टीरियस फिगर से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस उन सभी की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और वो सभी मारे जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उसी डेजर्ट में दो वर्कर आते हैं और दोनों एक केव के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ बुलेट्स मिलती हैं जिसे वो मार्केट में बेचने का प्लान कर रहे थे, लेकिन इसी लालच में वो दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम दो दोस्तों लुकस और ब्रायन को देखते हैं। वो दोनों एक फिक्शनल हीरो एराडिकेटर के फैन थे और उनका सपना था कि वो एक बार उनसे मिल पाए। वो दोनों काफ़ी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि आज उनकी डर्ट बाइक रेस थी और जीतने वाले को खुद एराडिकेटर अपने हाथ से मेडल पहनाने वाले थे। लुकस रेस को देखने के लिए लीसा को भी इन्वाइट करता है क्योंकि लीसा उसके दोस्त ब्रायन की चाइल्डहुड क्रश होती है, लेकिन ब्रायन इतना ज़्यादा शाय होता है कि कभी वो अपने दिल की बात कह नहीं पाता। वो डेजर्ट की ओर बढ़ने लगते हैं लेकिन रास्ते में दो पार्टिसिपेंट उनकी कार का पीछा करते हैं। लुकस उनके साथ बाइक रेस करता है जिसमें वो बहुत ही आसानी से जीत जाता है। पार्टी में एक आदमी उन दोनों को होममेड शराब ऑफर करता है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। लुकस ब्रायन से कहता है कि वो अपने दिल की बात लीसा से कह दे, नहीं तो उसे दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ब्रायन लीजा के पास जा रहा होता है कि तभी क्रेग नाम का एक लड़का लीजा से फ्लर्ट करने लगता है जो ब्रायन को शायद बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। लुकस ब्रायन के पास आता है और उसे पार्टी में वापस चलने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन तभी वो अपने सामने उन्हीं वर्कर्स की कार को देखता है जो कल रात वहाँ पर आए थे। उन दोनों को वहाँ पर वही केव दिखाई देती है। वो दोनों उसे पार करके एक बंद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आते हैं। ब्रायन काफ़ी हैरान था कि इस रेगिस्तान में इतनी बड़ी कंपनी क्या कर रही है, लेकिन लुकस काफ़ी क्यूरियस था, वो जानना चाहता था कि इसके अंदर क्या है। वो दोनों अंदर जाते हैं लेकिन पूरा प्लांट अंदर से खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी देर पहले ही इसे खाली किया गया हो। लीसा भी उन दोनों को ढूंढते हुए वहां पर आती है। वो लड़का भी उसका पीछा करता है और उससे फ्लर्ट करता है, लेकिन लीसा उसे नॉक कर देती है। दूसरी तरफ वो दोनों पूरी फैक्ट्री की तलाशी करते हैं लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो दोनों एक रूम के अंदर आते हैं जहाँ उन्हें एक जाइंट एंट यानी चींटी मिलती है। वो दोनों उसे देखकर घबरा जाते हैं और एक दूसरे रूम के अंदर आकर छिप जाते हैं। एंट उन्हें स्मेल करते करते उनके पास आती है, लेकिन कुछ देर में वो एंट वहाँ से चली जाती है। ल्यूकस टेंशन को कम करने के लिए एक बियर कैन को ओपन करता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर वो एंट उनके ऊपर हमला कर देती है। वो उनके सामने जंप करके उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है, लेकिन इससे पहले वो ब्रायन को खा पाती लीसा उस एंट को मार डालती है। वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर एक और एंट आ जाती है। वो तीनों किसी तरह कंट्रोल रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर उन्हें एक साइंटिस्ट का रिकॉर्डेड टेप मिलता है और उन्हें पता चलता है कि इस प्लांट में मीटियोर यानी अंतरिक्ष के पत्थर से निकले एलियंस के डीएनए से एक्सपेरिमेंट चल रहे थे जिसकी वजह से ये चींटियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं, और अब वो चींटियाँ अपनी कॉलोनी बनाना चाहती हैं। लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए इथेनॉल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उनके अंडों को फर्टिलाइज करने का प्रोटीन सिर्फ इथेनॉल से बन सकता था। लीसा उन्हें बताती है कि शराब में भी इथेनॉल होता है। इसका मतलब वो एंट्स वहाँ पर जा रही थी जहाँ पर शराब थी, यानी कि वो जगह जहाँ पर वो सभी पार्टी कर रहे थे। दूसरी तरफ पार्टी में एक आदमी नोटिस करता है कि अल्कोहल की कैन अपने आप मूव कर रही थी। वो उसे फॉलो करता है और देखता है कि एक बड़ी सी एंट उस अल्कोहल की कैन को पी रही थी। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन मारा जाता है। एंट्स एसिड थ्रो करके डांसर का फेस जला देती हैं और एक एक करके सभी मारे जाते हैं। वो एंट्स बाइकर्स का पीछा भी करती हैं और उन्हें भी मार डालती हैं। जब वो तीनों वापस आते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। एंट्स उनके ऊपर अटैक कर देती हैं। लुकस और ब्रायन दोनों बाइक से भागते हैं लेकिन बीच रास्ते में उन्हें अलग होना पड़ता है। ब्रायन पहाड़ी से एक लंबी जंप लगाने वाला था लेकिन लीसा को पता था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ब्रेक्स लगा देती है और वो दोनों गिर जाते हैं। अब इस सिचुएशन में ब्रायन अपने दिल की बात कहने ही वाला था कि तभी एंट्स लीसा को किडनैप कर लेती हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर लुकस आता है। लुकस उससे कहता है कि हमें लोगों से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन तब तक शायद देर हो जाती है, इसीलिए वो दोनों चींटियों की गुफा में जाते हैं जहां पर वो उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जो इस एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा था। लीसा अभी भी जिंदा थी लेकिन वो किसी तरह के कोकून में कैद थी। साइंटिस्ट उसे कहता है कि उसे काटने के लिए एक स्पेशल टूल की ज़रूरत पड़ेगी। वो उन्हें कहता है कि एंट्स का एक बैच अभी भी जिंदा है जो इनसे ज़्यादा पावरफुल है। वो उन्हें एक मैप देता है और कुछ स्पेशल हथियार लाने के लिए कहता है, लेकिन इसी दौरान उन एंट्स की रानी साइंटिस्ट को मार डालती है। वो दोनों मैप को फॉलो करते हैं लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि उसने उन्हें गलत मैप दिया था ताकि वेपन्स की तलाश में वो दोनों मारे जाएं और किसी को उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता ना चले। वो दोनों रिसर्च लैब में आते हैं जहाँ एक एंट उनका पीछा करती है।
लेकिन किसी तरह उन्हें वहां पर एक हथियार और एक स्पेशल सूट मिलता है जिसकी मदद से वो उस एंट को मार डालते हैं। ब्रायन को दो बाइक्स मिलती हैं जिसकी हेल्प से वो दोनों दोबारा गुफा के अंदर आते हैं। ब्रायन लीसा को तो बचा लेता है लेकिन एंट्स की रानी उसका इंतजार कर रही थी। ब्रायन उसके ऊपर फायरिंग करता है लेकिन वो गन कुछ देर बाद काम करना बंद कर देती है। ब्रायन उस केव से दूर भागने लगता है लेकिन एंट्स का ग्रुप उसका पीछा करता है। ब्रायन को एक आइडिया सूझता है। उस साइंटिस्ट ने एंट्स को मारने के लिए जो ऑटोमेटिक वेपन्स लगाए थे वो उनकी तरफ जाने लगता है और देखते ही देखते वो गन्स एक्टिवेट हो जाती हैं और सभी एंट्स मारी जाती हैं। ब्रायन अपनी जीत की खुशी मना रहा था लेकिन तभी वो देखता है कि क्वीन उसके सिर के जस्ट ऊपर है। वो उसकी बाइक का पीछा करती है और ब्रायन उसी पहाड़ी पर आ जाता है जहाँ पर वो पिछली बार जंप लगाने वाला था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करता। लीसा उसे कहती है कि तुम ये जंप कर सकते हो और उससे अपने दिल की बात भी कहती है, जिसके बाद ब्रायन उस पहाड़ी से एक लंबी जंप लगाता है और उसे पार कर देता है। क्वीन उसे पार नहीं कर सकती थी। ब्रायन उसका मजाक बनाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। वो दोनों पास में पड़ी एक कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं लेकिन क्वीन उन्हें अपने जाल से पीछे खींचने लगती है। उनकी कार पहाड़ी से नीचे गिरने वाली थी लेकिन लीसा उस एंड पर फायरिंग करती है और उसे मार डालती है। उसी दौरान उनकी कार भी पहाड़ी से नीचे गिर जाती है लेकिन समय रहते वो दोनों उस कार से निकल गए थे। दूसरी तरफ हम लूकस को देखते हैं जो सभी को एंट्स के जाल से एक एक करके बाहर निकाल रहा था। वो उन एंट्स के अंडों को जलाने वाला ही था कि तभी एक एंट बाहर निकलकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। ब्रायन उन सभी से पूछता है कि लूकस कहां पर है लेकिन वो सभी उसे अंदर जाने से मना करते हैं क्योंकि केव के अंदर आग लगी हुई थी। लेकिन तभी वहां पर क्रेग आता है जो शुरुआत में चींटियों के अटैक से बच गया था। वो अपनी बाइक के साथ अंदर जाता है। कुछ देर बाद केव के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है लेकिन क्रेग लूकस को सेफली केव से बाहर ले आता है। वो सभी अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं और बाकी पार्टिसिपेंट लूकस की अब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए थे। वो सभी कहीं दूर से किसी के आने की आवाज़ सुनते हैं। ब्रायन को लगता था कि शायद वो पुलिस हो सकती है लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उन सबका फेवरेट हीरो एरेडिकेटर है। ब्रायन उसे अपनी लास्ट बियर कैन ऑफर करता है। वो उसे पीने ही वाला था कि तभी एक एंट उसे वो बियर की कैन छीन लेती है। उनके इस हीरो के लिए ये सब नया था इसलिए वो डरकर उन सभी के पीछे छिप जाता है। उन सभी को पता चलता है कि उनका फेवरेट हीरो बहुत बड़ा डरपोक है लेकिन वो तीनों उस आखिरी एंट को मारने के लिए उसकी तरफ गन पॉइंट कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के लास्ट सीन में हम उसी लैब के बैच 10 को देखते हैं जिनकी एंट्स अभी भी जिंदा थी। इसका मतलब ये था कि वो एंट्स दोबारा आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपको मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।